Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another video. This is your boy Melvin Jordan watching MG Vlogs. और आज के व्लॉग में हम चर्च जाने वाले हैं. मेरे साथ भाई शाहून भी हैं, भाई मुनीब भी हैं और इनकी घड़ियां बहुत प्यारी मुझे लग रही है. मेरे पास भी घड़ी है, देखिए स्मार्ट वॉचेस हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम तीनों तैयार शर होके चर्च जा रहे हैं. आज वहाँ पे ग्रैंड रोजरी है तो हम अभी वो अटेंड करने जा रहे हैं. जाने से पहले शाहरुन भाई के डोर का लॉक खराब हो गया है तो शाहरुन भाई अभी इसको ठीक कर रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ. खंड है नहीं है, अभी भी है भाई, मुझे तो लग रही है बस वाले का इंतजार हो रहा है. फोन वेट हो रहा है, अभी तक नहीं आया. नहीं कॉल करो बस वाले को, आप फोन करो उसको, कुछ देर में आ रहा है. बस थोड़ी देर में लोग बस से बैठेंगे और चले जाएंगे. जी ब्लॉग वाले ने भी लगता है बस चले निकल दी है. लो जी हमारी बस भी आ गई है. वाह 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 वाह. हम लोग अभी मालिया पे पहुंच चुके हैं लेकिन मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं बिकॉज मैंने प्रैक्टिस पे भी जाना है. तो मैं लेट रहा हूं. ओके सर, बाय बाय, खुदा हाफिज. वापिस आपसे मिलेंगे. अभी जैसे कि आपने सुना कि मेरा नाम लिया गया है तो मैंने यहाँ पर स्पेशल प्रेयर करवाई कि मुझे यहाँ कुवैत में जॉब मिल सके. तो आप भी दुआ करें. इस वक्त आपके सामने लाइव टेलीकास्ट के इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जैसे कि कैमरा, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस भी मौजूद हैं. आज की इबादत को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा यूट्यूब पर. जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है. आज की ग्रैंड रोजरी की लाइव ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं कि इबादत को बेहतरीन बनाया जा सके. अभी आप देख सकते हैं कि क्वायर बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और आपको भी दिखाता हूँ कि अरबिक और दूसरी ज़ुबानों में रोजरी कैसे पढ़ी जाती है. يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ربنا آتنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا وادخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك ملك القوامات إلى الأبد آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا ولدة الله صلي لنا جميعا وطالعنا في ساعة موتنا آمين. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. നന്ദനത്തെ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവിങ്കലൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. സ്ലാമേ മറിയം ഫുൾ ഫസൽ ഖുദാവൻ തേരെ സാത്ത് ഹൈ तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु. ऐ कसम मरियम खुदा की माँ, हम तुम्हें घर के वास्ते दुआ करें अब और हमारी मौत के वक्त. आमीन. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே
ശ്രീനാഥുരേ ആശീർവാദ ലദ്ദി ബുഹാൻസേയ ഒബഗേ ശ്രീ കുസേഹി പലവാൻ ജേസു ആശീർവാദ ലദ്ദാമ്യ Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. रोजरी पढ़ने के बाद सब लोग बाहर ग्रोटो के पास दुआ करने के लिए जमा हो गए और साथ ही साथ हमने बहुत सारे गीत भी गाए। खातून है और मैं आपसे इनकी बात भी कराता हूँ कि आज की इबादत बहुत ही पुरतपाक रही और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने मदर मैरी के डिफरेंट ओरिजिन के मुताबिक ड्रेसअप किया था। तो उनमें से एक रोल मॉडल हमारे साथ एक खातून है, मैं इनसे आपकी बात भी कराता हूँ। प्लीज़ टेल अस योर नेम एंड टेल अस योर ओरिजिन, विच कंट्री यू बिलोंग टू। माय नेम इज़ आशा अल्फोंसो फ्रॉम गोवा एंड आई एम डिपिक्टिंग अ लेडी ऑफ लूर्द्स। ओह वाओ, लेडी ऑफ लुर्दस, जो कि अक्सर हमारे क्रिश्चियन भाई लुर्दस कैसा सोना था वो गीत गाते हैं। तो हमारे साथ मदर मैरी की एक इमेज और एक ऐसा रोल मॉडल जो कि ड्रेसअप हुआ है खातून, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छी है, लग रही हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और हमारी रिस्पेक्टेड खातून हैं, इन्होंने मुझे उर्दू बोलते हुए पहचान लिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं इनसे आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप अपना नाम बताइए, टेल अस योर नेम एंड योर ओरिजिन फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। हिंदी में बात करूं? हाँ बिल्कुल, हिंदी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है, ज्योति खुलासो। ओके। मैं इंडिया के कर्नाटका स्टेट के मैंगलोर से हूँ। वेरी नाइस।
मैंगलोर में भी हम मामा मरियम का फेस्टिवल मनाते हैं और अक्टूबर में पूरे अक्टूबर हम मामा मरियम का वो उनकी भक्ति करते हैं। ओह वेरी नाइस। हिसाब से ये पूरा अक्टूबर और अभी जो अक्टूबर चल रहा है और 31 तक हमारी वो मरियम मामा मरियम की भक्ति चलती है, तो इस दौरान ये हमारे चर्च में ये बातें हो रही है कि खातून जैसे आप बोल रहे हैं और जो मामा मरियम की लिबास में पेश आती है और उनकी भक्ति करती है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ मी फ्रॉम पाकिस्तान? Because this place, the Holy Family Co-Cathedral, is a place where all the people come from different nations. Like I'm from Pakistan, you're from India. Today we've seen many people from different origins, like Korea as well as from Philippines. So how do you find me? Well, I like the way you recognize me as Urdu. This is Melvin George. I came to know you, and I was very surprised when you आपके उर्दू में मामा मरियम के बारे में कवरेज किया और मैं रिकॉर्ड कर रही थी और सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली, दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक दैट इज व्हाट द यूनिवर्सल चर्च मींस, आलमगीर कलीसिया इन उर्दू, दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैथलिक इज, पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो नाइस टू मीट यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मेल्विन एंड कीप अप द गुड वर्क, फैंटास्टिक जॉब। अभी हम लोग मैडम ज्योति के साथ ही मौजूद हैं, इनकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है और इनकी डॉटर ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से, और बड़ा अच्छा लग रहा है कुवैत में ऐसे लोगों से मिलके जो कि हमारे ही ओरिजिन से हैं, हम जैसे ही हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये तकरीबन 2000 से यहाँ पर मौजूद है, अराउंड 24 ईयर यहाँ पे इन्होंने सर्विस की है, जॉब कर रही हैं, सेटल हैं, खुदा का शुक्र है। इनके दो बच्चे यहाँ पे जहरा हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग ऑन दिस चैनल, टू एक्सप्लोर द प्लेस, टू एक्सप्लोर द पीपल, टू गेट इन टच विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन। आने वाले व्लॉग में मैं आपको और मज़ीद लोगों से मिलवाऊँगा, बातचीत करवाऊँगा, और इनके साथ भी हमने बातचीत की है और ये बड़ी खुश हैं, और बाकायदा उन्होंने अपनी फैमिली के बारे से बताया, और पाकिस्तान और इंडिया वहाँ पे लेते लेते यहाँ पे एक ही है सारे। थैंक यू सो मच। वापस घर जाते हुए रास्ते में जब मैं बस के अंदर बैठा था तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, और आप देख सकते हैं कि हमारी विंड स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जमा होने की वजह से वाइपर्स उस पानी को क्लीन कर रहे हैं। कुवैत में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो चुका है और बहुत ही प्यारा मौसम बन गया है। इस वक्त मैं चर्च से घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हुई है, लेकिन आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हो कि बारिश के बाद का मंज़र बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं इस वक्त घर पर वापस आ चुका हूँ। मुझसे पहले मुनीब भाई और शाहरुख भाई आए थे, लेकिन मैं क्योंकि व्लॉग बना रहा था इसलिए मैं बाद में आया हूँ, लेकिन रास्ते में बहुत शदीद बारिश पड़ी, मज़ा आ गया। अभी इस वक्त मैं चाय पीने लगा हूँ और चाय के साथ एक बड़ा ख़ास पोटैटो कुकी है, बिस्किट है या चिप्स है, ये अब आप ही बताएंगे। ये देखिए, इसका नाम है पोटैटा, पोटैटा इसका नाम है, और ये बहुत ही पतले पतले चिप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चिप्स भी हैं, ये बिस्किट भी हैं, देखिए कितने बारीक हैं ये पतले से, और हैरानगी की बात ये है ये बिस्किट तो हैं लेकिन ये स्पाइसी हैं, ये मीठे या नमकीन बिस्किट नहीं हैं। यहाँ कुवैत के अंदर आकर मैंने फ़र्स्ट टाइम स्पाइसी बिस्किट्स ट्राई किए हैं, साथ में भाई मुनीब ने चाय बनाई है, तो चाय के साथ हम ये मसाले वाले बिस्किट खाएँगे। एक्सीलेंट। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज एमजी व्लॉग्स एंड बाय बाय।